बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बजट को निराशाजनक बताया। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संतोष पाठक। के साथ मौजूद है सुभाष गोयल साहब, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट है और टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट माने जाते हैं। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, इस बजट को मैं 10 में से 3 नंबर दूंगा। 3 नंबर इसलिए कि एक तो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है, दूसरा नंबर इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है, और तीसरा नंबर इसलिए कि रूरल डेवलपमेंट की बात हुई है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ वुमेन है, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसका नाम भी नहीं लिया गया। अब 2-4 बैंक बनाने से आप समझते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगी? नहीं, ये एक लॉलीपॉप के टाइप है। वुमेन एम्पावरमेंट अगर आपने करनी है तो जो इंडस्ट्री लाखों लाखों वुमेन को जॉब्स दिए हुए हैं, आप उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करिए, नंबर वन। नंबर टू, रूरल एरियाज में, जो चाहे वो कच्छ हो, चाहे वो गुजरात का रिमोटेस्ट एरिया हो, चाहे केरला के बैक वाटर्स का कोई बोटमैन हो, या ले में कोई पोनी ड्राइवर हो, या नॉर्थ ईस्ट में कोई पोनी ड्राइवर हो, जो पहाड़ों में कुली होते हैं वो हो, उन सबको टूरिज्म इंडस्ट्री के मार्फत रोजगार मिलता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि जो हमें एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए थी सर्विस टैक्स के अंदर, जो कि हमारी डिमांड थी, वो हमें नहीं मिली। सर्विस टैक्स आपने फिजिकल एक्सपोर्टर से हटा दिया, उनको एग्जेम्प्ट करा हुआ है, और आप जेम एंड ज्वेलरी और उसके कारपेट्स की बात करते हैं।